थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स. वेल, जिस चीज़ का, जिस घड़ी का बहुत इंतज़ार था, आप बहुत बेकरार हो रहे थे, अब वो घड़ी आ चुकी है. और मैं अब डाइस पर बुलाना चाहूँगी पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी को. एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे. कावर जब वो बोला है तो उनका गोड़ कांप है. तो एक सेती पोडियम के इस्तेमाल करें. हम छत्तीसगढ़िया आदमी हैं, हमारे गोड़ का काफी काबर के छत्तीसगढ़िया. आदरणीय बीसी साहब मोर बारे में बहुत बोली. और ओसो कहते हैं कि जब आप किसी को हंसाते हैं, जब आप हंसते हैं तो आप ईश्वर की पूजा करते हैं, और जब आप किसी को हंसाते हैं ईश्वर आपके लिए पूजा करता है. हंसाना बड़ा पवित्र काम है. आदरणीय प्राचार्य महोदय वाजपेयी जी, मैडम किरण वाजपेयी जी, आदरणीय अशोक जुगलेकर जी, भाई वीरेन्द्र तिवारी जी, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य कॉलेज के चैतन्य महाप्रभु है. काबर इतना बड़े आश्रम बनाना छोटे मोटे काम नहीं है. ओकर कारण है अप्रत्यक्ष में गरिमा तिवारी जी. वो ओकर मेहनत है, ओकर प्रेम है, ओकर अपनापन है कि वो दोनों मिलके चैतन्य जिसे कॉलेज बनाई जन पूरा छत्तीसगढ़ में जेकर नाम है. काबर हमेशा पत्नी पति ल बनाते रत्नावली निधि कार्तिक तो तुलसीदास नहीं बनती. रत्नावली के अधिकारी तो तुलसीदास बनी. विद्योत्तमा हर अधिकारी तो कालिदास, महाकवि कालिदास बनी. और जसोदा बेन छोड़ीस तो मोदी जी बनी. औरत के ताकत बहुत होते. और पुरुष जने सामने बैठे ना कुर्सी में सब बड़े बड़े विवेकानंद. इकर घर में इज्जत एक है. घर में खुशरही ना कत्को बड़े साहब रहता है, पर घर में खुशरही तो बाई पहला डाला चिपकाते. तोर में रन्ना अक्कल नहीं है. और आदमी मुड़ी हलाते हाँ होती तो तोर संग ब्याह काबर करते. अच्छा, पत्नी 24 घंटे में पति के एक बार राष्ट्रीय अपमान करते. शाम के जब आई ना का साग बनाओ, आलू गोभी उत्काली खाए रहे, भिंडी उदयका मन नहीं खाए, फिर वो बनाते कढ़ी काबर वाला मीठा थे. तो पति की जब मन के करना रिस तो मोर से पूछे काबर कि मैं तोला तोर औकात दिखाते रहे. औरत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, माँ से बड़ी कोई ताकत नहीं होती. आज ये बच्चे जो यहाँ पढ़ने आए, इनके माँ बाप ने सपने पाल रखे कि मेरा बेटा ये बनेगा, मेरी बेटी ये बनेगी. माँ से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं होती. पत्नी कभू पतीला मार के नहीं खवा, टेबल में रख देते कोटना में, तो मन कर खा नहीं तो जा. सिर्फ माँ होती है माँ जो बच्चे को मार के खिलाती है. खाबे नहीं खा जरा दंड लग मुटका चिमठी हुरसी मुक्त लगा खाजरे खा. मार के खवाने वाली दुनिया में एक ही रिश्ता है और वो है माँ. माँ से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, माँ से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती. अपने माँ बाप के सपनों को लेकर आए यहाँ कर, इधर उधर रास्ते में मत चलना. आज हिंदुस्तान में संक्रमण तेजी से फैल रहा है क्योंकि जो लड़कियां अपनी किताबों में आमिर और सलमान के फोटो दबाती हैं, उन्हीं लड़कियों की शादी अक्सर जेठालाल से हो जाती है. इसीलिए लड़कों से कहता हूं कि प्यार के चक्कर में मत पड़ना, बड़े बड़े का भाग्य फूट गया. जैसे अनुष्का के चक्कर में विराट के हाथ से वर्ल्ड कप. माँ बाप के सपनों को जिंदा रखो, माँ से बड़ी कोई ताकत नहीं होती. माँ जब हम घुटनों के बल चलते हैं तो माँ हमको मजाक नहीं उड़ाती, हमको चलना सिखाती है. जब हम तुतला कर रस्सी को लस्सी बोलते हैं, माँ हमको बोलना सिखाती है. इसलिए माँ बच्चे को मार के खिलाती है, डांट कर पढ़ाती है, और जब बच्चा पढ़ लिख कर बेकार हो जाता है तो रोज रात को चुपके से उसकी जेब तलाशती है. माँ की तलाश सही है, उसे डर है कहीं मेरे बेरोजगार बेटे के जेब में जहर की पुड़िया तो नहीं है. ये माँ
ये माँ है, उस माँ बाप का सपना लेकर आप चैतन्य में आए। और एक चीज समझ जाए, साइंस के कितने बच्चे बैठे हैं यहाँ, विज्ञान वाले, आदरणीय प्राचार्य महोदय भी विज्ञान वाले हैं। हम लोग तो विज्ञान से भी कविता निकालते हैं। आर्किमिडीज का एक सिद्धांत है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी आती है, वो कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होती है। अब आप इसका कविता में रूपांतरण देखिए। आदरणीय वाजपेयी जी क्योंकि केमिस्ट्री वाले हैं, उनको समर्पित करता हूं। जब कोई लड़का किसी लड़की के चक्कर लगाता है तो उसके अध्ययन में कमी आती है। ये कमी लड़के द्वारा लगाए गए चक्कर के बराबर होती है। बचना बहुत जरूरी है। और पामगढ़ की तो एक बात खास है, यहाँ का आदमी एकदम छकास है। पामगढ़ की एक बात खास है कि यहाँ का आदमी एकदम छकास है। मैं एक जन ने पूछा, कैसे तोर लड़का तोतराथे का? हमेशा नहीं तोतराए, बोलते तब तोतराथे। जबरदस्त आत्मविश्वास है, एक सटी पामगढ़ के आदमी एकदम 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 झकास है। सिगरेट हाथ में रख के माचिस मांगने वाला मैं हजार देखे, यहाँ माचिस धर के सिगरेट मांगता। जबरदस्त आत्मविश्वास है, एक सटी पामगढ़ के आदमी एकदम एकदम झकास है। शादी की रिसेप्शन होता रहा, एक पत्नी अपन पति ला छीनी अंगुली बने दिया। अब पति तो आज्ञाकारी है, का जा पावर चेक करते रहे। जबरदस्त आत्मविश्वास है, एक सटी पामगढ़ के आदमी एकदम। मल्लिका शेरावत के नाम लें तो सियान मन की चेहरा जैन चमक है, वो चमक ला प्रणाम करत हूँ। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली, बाबा की एक आंख बंद हुई जो आज तक नहीं खुली। राखी सावंत का स्वयंवर जब टीवी पे आता था, हमारे गांव का हर बूढ़ा चश्मा पोज के टीवी सामने बैठ जाता था। हमने कहा, बाबा इस उम्र में स्वयंवर से क्या लेना देना? बोले, बेटा जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक सांस है तब तक आस है, और ये स्वयंवर में कौन धनुष तोड़ना, इसमें तो अपना भी चांस है। लेकिन एक बात है, छत्तीसगढ़ क्या है, दुख पहाड़ाला चार बार पढ़, दुख पहाड़ाला चार बार पढ़, अमटा भटखा मुंगल चुचर, राजिम में नहा के डोंगरगढ़ मचर, एला कि थे बाबू छत्तीसगढ़। मैं तो दिल्ली में बैठे रहा, एक जन होटल में, एक जन मुनगा ला चम्मच फंसा के खात रहा। मैं पहली बार वाला चम्मच खात देख, मैं मुनगा खात देख रहा। मैं क्या कहा, रिचर्स भाई परिचय करेंगे, आई बिलोंग टू छत्तीसगढ़, मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, बट आई फॉरगेट छत्तीसगढ़ी। मैं क्या छत्तीसगढ़ी भूल जा, पर मुनगा ला चूचरे पर झन भूल। काबर कैसे छत्तीसगढ़ी काय, छत्तीसगढ़ी इज मल्टी डायमेंशन लैंग्वेज। कैसे रे समारू बने बने, ऑल राइट वो भैया रे, वो ऑल राइट दादा, वो 4 साल पहले ऑल राइट हो गए। जबरदस्त है, का है छत्तीसगढ़ में, एक बताया ना कि पामगढ़ के बात एकदम खास है, यहाँ का आदमी एकदम झकास है। यहाँ दूसरी क्लास के लेकर हाई स्कूल के प्रिंसिपल पास चल दी छुट्टी मांगे। प्रिंसिपल बोली, तू दूसरी में पढ़ता है, क्लास 2 में पढ़ता है, हायर सेकेंडरी में कैसे आ गया? वो गुरुजी नहीं है, तही दे देते छुट्टी से। कि ठीक है दे दू, फिर बता मोर सवाल के जवाब दे, कोटप्पा हा बाहुबलीला काबर मारी? बोला, फंसाना चाहतरी से लड़का पामगढ़ के, ओकर आईक्यू कितना ऊपर कि गुरुजी हो सकत है कोटप्पा बाहुबली से छुट्टी मांगे बर के? बाहुबली न दिए हो तो निपटा दी। छत्तीसगढ़ में इतना प्रगति आए है, इतना प्रगति आए है कि आदमी भैंसी में चके वो हेलमेट लगा। पुलिस वाले रोक दी, काबर रोकत लगाए था? अरे मोला कानून झन सिखा,
भैंसी फोर व्हीलर है, लाइसेंस दिखा, जबरदस्त तरक्की हो रही है। काबर छत्तीसगढ़ क्या है? अभी जब राजगीत चलत रही से तब आदरणीय वीसी साहब से बारे में कि छत्तीसगढ़ के राजगीत हमार आत्माएं, छत्तीसगढ़ कहा है? मैं बाहर जाता हूँ, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, दुबई, अमन, कतर, बहरीन, अबू धाबी, कनाड। मैं तो अभी दिल्ली में कविता पढ़ाते रहा हूँ, फिक्की ऑडिटोरियम में हंसी के कविता पढ़ाते रहे, खड़े हो गए, बोले आप तो शर्म आना चाहिए। बोले क्यों भाई, क्यों शर्म आना चाहिए? बोले चीन हमको आँख दिखा रहे, आप लोगों को हंसा रहे। बोले कौन चीन? जेकर खुद के आँखी खुदेल नहीं दिखे, 1.5 मिलीमीटर के ऊपर आँखी, उतना तो हमारे यहाँ लेकर प्रार्थना में खुला रखते। वो चीन हमारे बराबरी करी, वो चीन हमारे बराबरी कर सकत। मैं तो दुर्ग में रहा हूँ, तो मेरे बाजू में खीरी डॉक्टर है, वो बीमार पड़ गए तो मैं वो अस्पताल में ले गए, तो मोर बाइक जा देख के आ जाओ जी, ये तक मरा थे गया बने हो जबे चंदूलाल चंद्राकर बड़े अस्पताल है, ठीक हो जबे। वो कहा चिंग चाम चू, इसे कहा थे साले चिंग चाम चू, इसे 3 बार बोली सो मर गए। अरे कहा बोल के मर गए? मैं दूभा दिल्ली में जाके, यार वो मरद मेरा बोली चिंग चाम चू, बोली इसका मतलब जानता है? मैं कि नहीं। वो कहा तो इसे अबे ऑक्सीजन पाइप से गोड़ हटा, ताली बजाओ, सांस लेना है। चीनी बराबरी करी, पाकिस्तान पीछे मोर मेरन बम है, बेटा तोर मेरन बम है तो हमर मेरन बोल बम बम है। ते हमार का बराबरी कर रहे, पाकिस्तान हमार का बराबरी करी, चीन हमार का बराबरी करी। जब तक ये युवा है, आज का रुणोदय हमें कुछ संदेश देता है, जागरूक प्रहरी हो तुम, ये कर्तव्य का प्रणेता है। का कर्तव्य? तो पढ़ना। गुरु जी मन के का कर्तव्य? जिन अंग्रेजी में फैकल्टी बोलते हैं, मैं सामान्य भाषा में गुरु जी कहा था। का है उनका? पढ़ाना। आपके काम है पढ़ना, उनका काम है पढ़ाना। और आदरणीय तिवारी जी के का दायित्व है? मैनेजमेंट करना, व्यवस्था करना, पानी कहाँ है, ये कहाँ है, कुर्सी हवे नहीं, टेबल हवे नहीं, लड़का आवत है नहीं, जावत है नहीं, का करत है? ये तो लड़का आजकल इतना बदमाश हो गए हैं, भगवान कसम, कॉलेज में मैनेज करना कठिन है। एक पूरा एक क्लीन बोल दी आई लव यू, उसी की पूरी बम हो गया। फिर क्या बोला था? ये ऐसे ऐसे कॉलेज नो है, ये चैतन्य कॉलेज, यहाँ ये डायलॉग नहीं चला। नहीं, ओकरे से पूछा था तो दिल में उतरे के पासवर्ड का है 5 नंबर सेंडिन, तो खाए पड़ते कि बोले बहुत पड़ते, पहली खा ले फिर तब बोले लाइक बजबे गलो नहीं। तो ये संस्कार लेके जिस उद्देश्य से आप यहाँ आए, जिंदगी बहुत लंबी है, पहले बन जाइए, फिर ये दुनिया की तमाम सुख सुविधाएं आपके पीछे जाएंगे। मैं आपको अपनी जिंदगी का अंश शेयर करता हूँ, ये मैं सिर्फ कवि सम्मेलन में नहीं बोल रहा हूँ, आप कभी जाएं और जाके पता करें। मैं बेमेतरा साइंस कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में बेमेतरा साइंस कॉलेज से किया। मैं बहुत गरीब परिवार का था, इतने गरीब परिवार का था कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने बीएससी के क्लास में बिना चप्पल जूते के क्लास अटेंड की है और कॉलेज गया है, लेकिन मेरा सपना बड़ा था, मेरा सपना बड़ा था, मैं बड़े सपने देखता था। आप भी बड़े सपने देखिए, बनने का सपना देखिए, संसाधन कहीं बाधक नहीं होते हैं। रायपुर में जाने के बाद मैंने और भाई जगदीश उपासने ने हितवाद और दैनिक युग धर्म में नौकरी की, और नौकरी करने के बाद मैं पढ़ा। डॉक्टर रमन सिंह और मैं 1 साल आगे पीछे पढ़े, वो बेमेतरा साइंस कॉलेज में पढ़े, 1 नंबर के क्रिकेट खेले, बहुत भारी बैट्समैन, सीनियर रही से बैटिंग करे, हम जूनियर बाल सके लन। वो 15 साल बैटिंग करी, इसमें साले 15 साल बाले सके ले। आप अपना सपना बड़ा रखिए, अपना आप आइकॉन बड़ा रखिए। कौन है आइकॉन? आप अपने लिखने की टेबल में उस आइकॉन की फोटो लगाइए कि मैं ये बनना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहा था कंगना रनावत के लगाओ, करीना कपूर के लगाओ, ये नहीं कहा था, मैं आइकॉन कहा था। आइकॉन, आपके आइकॉन कौन है? हु इज आइकॉन? वो शाहरुख खान तो तरह राष्ट्रभक्ति का स्वाद चखले, अरे हकले, एक बार किरण तो बोल ले।
कौन है आइकन। और चैतन्य कॉलेज में बच्चों की उपस्थिति में अगर मैंने सही आइकन रखा हो तो अब तक की सर्वाधिक तालियां बजाइएगा। हमारे आइकन हैं, पहले सुन लो, हमारे आइकन हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, और क्यों है स्वामी विवेकानंद हमारे आइकन? जब विवेकानंद जी शिकागो गए, एक सुंदर युवती ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। विवेकानंद जी ने कहा, आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहती है? तो उस युवती ने कहा, आप अलौकिक व्यक्तित्व के धनी हैं, आपसे और मुझसे मिलकर जो संतान होगी वो अलौकिक होगी। विवेकानंद जी का जवाब, आपके बीच रखता हूं चैतन्य कॉलेज के बच्चों के बीच और पालकों के बीच, अगर उनका जवाब सही हो तब तक की सर्वाधिक तालियां बजाइएगा। विवेकानंद जी ने कहा, इसके लिए आपको शादी करने की जरूरत नहीं है, आप मुझको अपना बेटा स्वीकार कर लो। ये है आइकॉन, हम ये बनाना चाहते हैं, हम ये बनाना चाहते हैं। ये बेटियां बैठी हैं, ये बेटियां आज बहुत आगे पढ़ लिख रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, बेटी आगे बढ़ रही है, कलेक्टर बन रही है, बेटी आगे बढ़ रही है, ऑफिसर बन रही, कई बेटी इतने आगे बढ़ गए कि लहू भी नहीं रही है। ऐसा नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं तो बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा कोई पूरम बुहाका आ गया। रात को 11 बजे नींबू अदरक लाना हो तो बेटा लाता है, बेटी नहीं लाती है। बेटे का भी रोल है, दोनों दाएं बाएं आंख है। विवेकानंद जी से एक अंग्रेज ने कह दिया, आपकी हिंदुस्तान की औरतें, हिंदुस्तान की नारियां बैकवर्ड हैं, नैरो माइंडेड हैं। विवेकानंद जी ने कहा, साहब क्यों कह रहे हैं? बेटी बेटी जिंदगी के कितने किरदारों को जीती है, वो बेटी होती है, बहन होती है, पत्नी होती है, माँ होती है, सास होती है, लेकिन होती है बेटी। बेटी से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं होती। इसीलिए कहता हूँ कि फली फूली टहनियाँ जड़ों के तरफ मुड़ी रहती हैं, अरे बेटियां कहीं भी रहें माँ बाप से जुड़ी रहें। बेटों के साथ माँ बाप रहते हैं, उन्हें आभास होता है। और बेटी सात समुंदर पार शिकागो में हो और माँ रायपुर में खास दे तो बेटी को एहसास होता है, ये बेटी होती है। बेटी से बड़ी ताकत नहीं होती। अंग्रेज ने विवेकानंद जी से कह दिया, आपकी हिंदुस्तान की बेटियां, हिंदुस्तान की औरतें नैरो माइंडेड हैं, बैकवर्ड हैं। विवेकानंद जी का जवाब, अगर आपको लगे कि पामगढ़ के चैतन्य कॉलेज में इससे बढ़िया अनुमोदन नहीं हो सकता तो सर्वाधिक तालियां बजाकर बताइएगा। विवेकानंद जी ने कहा, आपकी महारानी सामान्य लोगों से हाथ मिलाती है, मेरे देश की हर औरत तुम्हारी रानी से कम नहीं है, वो अल्लू खल्लू लोगों से सेकंड नहीं करती। ये है हिंदुस्तान जो हम बनाना चाहते हैं, और वो बनाएगा कौन? आप बनाएंगे। सपना देख कौन रहा है? हम, आपके माँ बाप, आपकी फैकल्टी, आपका कॉलेज, आपका मैनेजमेंट, वीरेंद्र तिवारी, गरिमा तिवारी जी, ऋषि साहब, प्रिंसिपल साहब, ये देख रहे हैं कि मेरे कॉलेज का पढ़ा कितने लड़के यूपीएससी फेस करके आगे जाते हैं, कितने लड़के डॉक्टर बनते हैं। क्योंकि शिक्षक की जिंदगी के सबसे खुशी का पहलू यही है कि उसका पढ़ाया बच्चा किसी बड़े पद पर चला जाए। बड़े पद पर जाता है तो उसका गर्व से उसका सीना फूल जाता है कि मेरा पढ़ाया लड़का है जो ये बना है। ये सपना पूरा करिएगा, ये सपना पूरा करिएगा। जिंदगी का टारगेट क्लियर करिए, आपको बनना क्या है ये आप क्लियर होना चाहिए। क्रिकेटर बनना है, क्रिकेटर बनिए, एक्टर बनना है, एक्टर बनिए, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनिए, कलेक्टर बनना है, कलेक्टर बनिए, लेकिन कुछ तो बनिए, बनाइए मत, बनिए। और बनने के लिए ये बनिए, ये बनिए, इसका मतलब नहीं कि देशभक्त बनिए, मतलब बनिए मतलब वो मारवाड़ी वाले बनिए नहीं बोल रहा हूँ, बनिए बोल रहा हूँ, ये तो आप लोग वैसा समझे। क्या है छत्तीसगढ़, व्हाट इज छत्तीसगढ़? जब हम अमेरिका इंग्लैंड में कार्यक्रम करते हैं, लोग पूछते हैं छत्तीसगढ़ क्या है, तब मैं छत्तीसगढ़ की परिभाषा रखता हूँ। और अगर वो परिभाषा आप तक पहुंची काबर, जमाना बदलिस, बड़ा तेजी से बदलिस, आज हर कोई विकास हो गए, हर कोई डेवलप हो, गांव के स्कूल के गुरुजी होशियार हो, एक गुरुजी कक्षा में पढ़ाते रहे भूगोल, कहतरी से गंगा, पामगढ़ से निकल के जांजगीर में गिर गई,
मैं क्या गुरु जी गलत पढ़ा था, जंगल पामगढ़ से निकल था जांजगीर में गिरा था, शिक्षा करनी हो पूरा तनख्वाह नहीं मिला थे, गंगा पामगढ़ से निकला थे जांजगीर में गिरा थे, 50,000 रुपया तनख्वाह दे, गंगा पामगढ़ से निकली, गंगा हिमालय से निकली, बंगाल के खाड़ी में गिरी, नहीं तो गंगा मध्य छत्तीसगढ़ के बाहर नहीं जाए, यह रही। सब विकास हो गए तेजी से, क्या कर, सबसे तेजी से विकास हो गए, हर कोई होशियार, एकदम होशियार हो, पति पत्नी में झगड़ा हो गए, नौकर भाई कहा था कहीं तेज झूठ बोला तो नहीं भगवान को लाभ भी उठा ले, जस्ट और मैं झूठ बोला था ना तो सुबेरे मोला विधवा कर दे। बहुत देर बाद होकर समझ में आई साले मालक मोरे फोटो में टंग में, हर कोई होशियार हो, वो नवा बहू आ रहा है एकदम जंगल चोटी, कुछ कामे ना करे, दिन भर टीवी देखे, तो अगर सास सोची इसने कुछ करूँ तो यहू कर ही कि बाहर लग गए, तब का मैं ओकर बेटा के का कर सकताई, भारत हूँ बेटा भारत हूँ, रुक्मणी बाहरी वो टीवी देखे थे बेटा, वो टीवी देखे थे, चला ले मैं बाहर हूँ, दोनों लड़े लग गए, तब का बहु बाहर आ गया, क्यों झगड़ा कर रहे क्यों झगड़ा कर रहे, एक दिन तुम बाहर दिया करो एक दिन तुम बाहर दिया करो। सब विकास बहुत तेजी से, हर क्षेत्र में विकास हो गए, डॉक्टर मेरा एक मरीज आके महाराज मोर गोड़ नीला पड़ गए, गैंग्रीन हो गए रे समारू काटे पर परी काट दी, दूसर गोड़ नीला पड़ गए, अरे यूं हो गए रे काटे पर यूं काट दी, नकली लगा दी, 15 दिन बाद नकली गोड़ नीला पड़ गए, अब डॉक्टर अकबक आ गए इसी किसी हो गए, अरे फोकट के काट पर रे तोर तो लुंगी के रंग छूटा था, मतलब हर कोई विकास था, जबरदस्त विकास हो गए। वो एक बेटा नाती खिलात रहे पर पोता ला, बेटा नाती पोता बोला खिलात रहे बेटा नाती ला, हाथ ले बिछल के बहु कॉन्वेंट के पढ़े हुए, अपन सास रखे डोंट टच माई चाइल्ड, कल से मेरे बेटे को मत छूना, अब पामगढ़ के सास होकर उत्तर ताली आत्मन के मर्जी, पामगढ़ के सास की हाओ बहु मैं तोर बेटल नहीं छुओ ते मोर बेटल जन छुए, हर कोई के विकास, इतना तेजी से डेवलपमेंट हो गया, हर कुछ विकास हुआ, क्या है छत्तीसगढ़, गर्व हमारा गौरव अपना, गर्व हमारा गौरव अपना, छत्तीसगढ़ के वासी हैं, मिलजुल करके हाथ उठाओ, छत्तीसगढ़ की माटी है, मिलजुल करके हाथ उठाओ, छत्तीसगढ़ की माटी है, धन्य धन्य ये धरती जिसमें कौशल्या ने जन्म लिया, धन्य धन्य ये धरती जिसमें कौशल्या ने जन्म लिया, सीता का वनवास हुआ तो इस माटी ने शरण दिया, ये दक्षिण कौशल कुशावर्त सिरपुर इसकी राजधानी थी, और कल चुरियों ने राज किया था इसकी एक कहानी थी, ये बाल्मीकि तपोभूमि, ये बाल्मीकि तपोभूमि तुरतुरिया गुण गाती है, अब दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी है, दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी है, ये वीर नारायण की वीर भूमि, ये वीर नारायण की वीर भूमि, गुरु घासीदास की वाणी है, छोटी जगह में बड़ा आदमी पैदा होता है, पंडित सुंदरलाल शर्मा राजीव के रहे, बच्चों के संज्ञान में लाना चाहता हूँ, 1922 में महात्मा गांधी पहली बार रायपुर आए, गांधी चौक में उनकी सभा हुई, कंडेल सत्याग्रह में भाग लेने वो धमतरी गए, और उन्होंने पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु बनाया, आपको गर्व होना चाहिए कि महात्मा गांधी के गुरु छत्तीसगढ़ में रहे, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, धन्य धन्य ये धरती जिसमें कौशल्या ने, ये वीर नारायण की वीर भूमि, ये वीर नारायण की वीर भूमि, गुरु घासीदास की वाणी है, सुंदर लाल शर्मा के अंतस में महानदी का पानी है, खूब चंद बघेल का सपना चंदूलाल चंद्राकर, अरे जीवन सफल करो अपना एक बार तो आकर, ये छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़िया की छाती है, दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी। रामचंद्र और महासिंह ने लोक कला की सेवा की, तीजन और हबीब भाई ने सात समुंदर पूजा की,
महानदी शिवनाथ खारून इस धरती में बहती है, अर्पा हसदो तांदुला अपनी गाथा कहती है, मोड़ जोग सोंडूर पैरी केलो आगर मनियारी, इस धरती को बना दिया है अन्नपूर्णा सी महतारी, ये धान कटोरा छत्तीसगढ़। 1980 में मैं पहली बार अमेरिका गया, 1980 में ठेठरी धर के गया, कहा ठेठरी खराब नहीं हुआ, महीना डेढ़ महीना धरे रहा, इमिग्रेशन में शिकागो एयरपोर्ट में वो ऑफिसर पकड़ ली, गोल गोल दिखे साले बम बरोबर, तो वो ना हथौड़ी मंगा के सबो ठेठरी कुचट दी, कहा पाउडर हो गए ले जा ले, कहा थी मोला तो ही खा साले भूरकल ठेठरी पर ठेठरी का हाथ बोला, ते क्या जान बे ठेठरी, वो जाने तो नहीं ठेठरी, जब मुंडल चुचरेल नहीं जाना तो मत फंसा खा, तेन मन का जान ही ठेठरी का है राजी। तो महानदी शिवनाथ खारून इस धरती में बहती है, अर्पा हसदो तांदुला अपनी गाथा कहती है, मोड़ जोग सोंडूर पैरी केलो आगर मनियारी, इस धरती को बना दिया अन्नपूर्णा सी महतारी, ये धान कटोरा छत्तीसगढ़, दुनिया इसके गुण गाती है, अब दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी है, छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया। ठाकुर प्यारे लाल ने छत्तीसगढ़ को वाणी दी, महंत लक्ष्मी नारायण ने ईश्वर की अगवानी दी, स्वामी आत्मानंद ने अध्यात्म का उपदेश दिया, और राजा चक्रधर ने रायगढ़ में कथक को सिद्ध किया, मुकुट बख्शी लोचन प्रसाद, मुकुट बख्शी लोचन प्रसाद, ये मुक्ति बोध की थाथी है, अब दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी। यहाँ बड़े बड़े मेला लगते, मड़ई लगते, एक टूरा मेला में से बड़े ही चाय रहा रोवत रहा कार रो थस रहे गोदना गोद आए रहे हैं इमर रोहित का बात है नी में बोले रहे कैटरीना लिख बे साले कुटरीना लिख दे कष्ट बहुत है। राजिम ताला मल्हार बारसुन चित्रकूट सिवरी नारायण, कितना गर्व आपको होना चाहिए छत्तीसगढ़िया के गर्वला कोनो नहीं पा सके, छत्तीसगढ़ के जिन स्वाभिमान है तेना कोनो नहीं पा सके, क्योंकि मेरी परिभाषा छत्तीसगढ़। अमेरिका में ये पंक्ति से मैं अपन कवि सम्मेलन चालू करता हूँ, वो चार पंक्ति आपके बीच रखा था, मेरी परिभाषा छत्तीसगढ़, सांसों की भाषा छत्तीसगढ़, मेरी अभिलाषा छत्तीसगढ़, जन्म अगर दोबारा हो हर बार कहूँगा छत्तीसगढ़, हर बार कहूँगा छत्तीसगढ़। मैं विश्व के 11 देश में कविता पढ़ी, अमेरिका के 50-52 शहर में कविता पढ़ी, ये कोई बड़े बात नहीं है। मैं 24 अप्रैल 2009 के वाशिंगटन डीसी में बराक ओबामा जी ला कविता भेंट करें, ये भी कोई बड़े बात नहीं है। मैं गणतंत्र दिवस में दिल्ली के लाल किला में 11 बार कविता पढ़े, ये भी कोई बड़े बात नहीं है। जितना मोर 10 किताब छपे हैं, मोरा हिंदुस्तान के जितना पुरस्कार है सब मिले, काका हाथरसी पुरस्कार, चकललाल ठाह का निराला सम्मान, विक्रमादित्य सम्मान, पंडित सुंदरलाल शर्मा, और 2010 में आमिर खान के साथ मोला पद्मश्री मिली, ये भी कोई बड़े बात नहीं है, ये भी कोई बड़े बात नहीं है। मोर 4 किताब पर PhD देगी, आदरणीय VC के जी के संज्ञान में लाना चाहता, आगरा विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, रायपुर विश्वविद्यालय, और फिर रायपुर विश्वविद्यालय, 4 PhD मोरू पर देगी, ये भी कोई बड़े बात नहीं। बड़े बात अगर कोनो है तो चैतन्य कॉलेज के लड़का मन तुमन ला कहना चाहता हूँ, इतना गर्व तुम भी करना, सबले बड़े बात ये कि मोर जन्म छत्तीसगढ़ में हुए है और मैं छत्तीसगढ़िया। आप ये गर्व करिए, आप गर्व से बोल सके, इस लायक अपने को हौसला लेके आगे बढ़ना कि बता सको कि मैं चैतन्य कॉलेज पामगढ़ से पढ़ा हुआ हूँ, आगे वाला खुद समझ जाए कि उस कॉलेज से क्रीम निकलता है, वो नीचे के ढोलवा नहीं निकले, क्रीम, आप क्रीम बनो, ढोलवा मत बनो, क्रीम, समझे नहीं, किसे जमीस नहीं बात है, इसने जमा था जम जाए प्राण बचाना है। राजिम ताला मल्हार बारसुन चित्रकूट सिवरी नारायण, काय छत्तीसगढ़ी में ना गाय के परंपरा है, छत्तीसगढ़ एक ऐसा है
जिसे मिथिला में भगवान राम ला गा गा के गाड़ी देगी। और भगवान राम हमार भाचा है, मतलब हमार कितना बड़े है पड़ोस है तेना सोचो। राजनीति के बात छोड़ो, हमार तो डायरेक्ट ऑपरेशन संबंध है, वो भाचा है। राम भगवान हमार भाचा है डायरेक्ट भाई, ऐसे को नहीं है। आदरणीय विजय साहब भी मुहर लगी सुमा कौशल्या के बेटा है राम के, है नहीं भाई? तो हमारे भाचा है डायरेक्ट। तो गाय के हमारे यहाँ परंपरा है, कोनो पैदा होते ना तो गाते, बर बिहा होते ना तो गाते, कोनो मर जाते ना तो गा गा के रोते। सिर्फ छत्तीसगढ़ में होते गा गा के रोते। एक दिन डोकरी है रोवत रहा, आज के दिन तो ददा होती बेटा, अपन दुख ला मैं रो डालते हो ना, जैसे मरार के गोभी फूले बेटा, तैसे तो दादा ला टोपी खुले ना। गा गा के रो, ये गाय के रोए के परंपरा सिर्फ छत्तीसगढ़ में। आज के दिन तो दादा होती बेटा, अपन दुख ला मैं रो डालते हो ना, जैसे मरार के मिर्चा फूले बेटा, तैसे तो दादा ला मेछा खुले ना। गागा के रोए के परंपरा है। अब छत्तीसगढ़ इसीलिए बोलता हूँ कि राजिम ताला मल्हा नत का है। मोर बड़े भाई की शादी हुए है लोरमी में, बिलासपुर लोरमी। मैं अपन भाभी ले गए रहा, उस समय आठवीं पढ़त रहा, तो जंटूरी है विदा होत रहा, कठल कठल के रोवे, नहीं दाओ बाबू नहीं जाल पर ही बेटा, कैसे कर बे जाल पर ही, नारी धर्म दरे नहीं जाओ बाबू की रोए। मैं हंसा तो मोर भाभी का तुमको शरण नहीं आता, बेटी विदा हो रही तुम हंस रहे हो। मैं कह वो पूरा नाटक है, अभी देख बे थोड़ा देर बाद ठीक हो जाएगा, पूछो नहीं अभी रो रही है तो क्या नाटक है, रुक ना अभी मोटर ला छूटन दे। मोटर छूट के गीस खामी गांव पर थे गोड़ खामी, वहाँ बस रुकीस तो अपन नया दूल्हा ला शोरूम डिलीवरी वाले फ्रेश बोला कुर्सी पान लाल थे जी, मैं क्या देख एक सेकंड कैसे है, अभी तक रोवत नहीं कटल कटल के, अब कोहनी मार के पान लानते जी सका, पान ले पर गीस पान लानीस, मैं क्या देख बे फाइनल स्ट्रो पान ला मुंह डालीस, भूजी बहुत रोवत नहीं से भैया गलो कटल कटल, पान में चमन बाहर नहीं डलवाए रहे हो क्या, ये चमन बाहर ये छत्तीसगढ़ बस हमारी ताकत है। मैं बता था एक तारीख के, एक जनवरी के, कविता तो वहीं अटके अभी, राजिम ताला मल्हार बारसुल चित्रकूट सिवरी नारायण, दाना खेड़ा गिरौदपुरी खरौद रतनपुर चंपारण, आरंग चंदपुरी मटकुदीप कुनकुरी लाफा चतुरगढ़, नकपुरा तुरतुरिया लूथरा ताता पानी और रामगढ़, पिपरौल पचराही मेन पाट बिलई माता और नवागढ़, बे में तरा की भद्रकाली सारंगढ़ की चंद्रहासनी, छत्तीसगढ़ की विघ्न नाशनी, धन्य धन्य ये धरती है जो त्रेता के गुण गाती है, अरे एक बार दर्शन कर लो ये छत्तीसगढ़ की माटी है, एक बार दर्शन कर लो ये छत्तीसगढ़। गर्व है हमको कि हमारा जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ है, गर्व है हमको कि हमारा। मैं बताएं एक तारीख के, एक जनवरी के, मोर एक कवि है सुरेंद्र दुबे, ओकरो नाम है राजस्थान में रिथे उमर गए, और मैं एक तारीख के मसूरी में कवि सम्मेलन करते रहे, दू के आए रायपुर आके मोबाइल बंद करके सूत के, दू तीन तारीख के शो उठे तो मोरे दुआरी में गमछा धर के 15 जन खड़े रहे, कका मर गए भैया, कका मर गए लागू का खड़े कि नहीं भैया विकिपीडिया लिखे है कका मर, अरे नहीं मरे हम ऐबे वो सुरेंद्र दुबे जयपुर वाले मेनो हो, नी कका नहीं मरे कहा था ना मैं, ये सुरेंद्र दुबे मर ही बे, ये हास्य के कोकड़ाए ठहाका के परिंदाए, टेंशन में मत रहना बाबू टाइगर अभी जिंदा है, टेंशन में मत रहना टाइगर अभी, दोनों हाथ उठा के टाइगर अभी। मोर बाई लेक जन फोन करी सुनेन कका निपट गए, मोर बाई की ही सैसन हमार भाग कहाँ है, रात के आए है जीविका अंदा खाए है मुंडा सागो कर पसंदीदा है, टेंशन में मत रहना बाबू टाइगर अभी, टाइगर दोनों हाथ उठा के टाइगर अभी। धन्यवाद।
सम्मान और सम्मान कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। मैं मंचस्थ अतिथियों से आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य सर राघवेंद्र प्रताप सिंह जी का हम सम्मान मंचस्थ अतिथि करेंगे। सम्माननीय राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, अब हम छात्र छात्रा के प्रतिभा सम्मान में चलते हैं और बेस्ट स्टूडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस मिस प्राची साहू, पिता का नाम सुरेश कुमार साहू। इन्होंने साइंस के क्षेत्र में, ये साइंस के स्टूडेंट हैं, इन्होंने बहुत अच्छा सभी प्रकार से पढ़ाई में और बाकी सारे चीजों में इन्होंने अच्छा किया, इसलिए यह अवार्ड इनको जाता है। प्राची साहू को सुरेश कुमार साहू जी इनके पिता हैं, अगर हो तो साथ में आए। वेलकम, सभी को बताना चाहूंगी कि वीसी सर की और भी मीटिंग्स लाइनअप है और समय की कमी के कारण वो हमसे अब अलविदा लेना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर प्रीशियस मिनट्स विद अस। चलिए हम चैतन्य कॉलेज की ओर से एक स्मृति चिन्ह, प्यार भरा स्मृति चिन्ह हमारे वीसी सर को देना चाहेंगे, एक बार जोरदार तालियों के साथ। आप सभी तालियों के साथ उनका सम्मान करें। जानी मानी एक ऐसी शख्सियत जो आए दिन आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स को प्रेरित करते हैं कुछ नया करने के लिए, अपनी मिट्टी के साथ जुड़ने के लिए और देश को, बिलासपुर को, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए। ठुमरी कहते हैं, ठुमरी से सम्मान छत्तीसगढ़ का एक बेहतर। सबके लौठी रिंगी टिंगी मोर लौठी कुसवा रहे, ठीक खुदक के लौकी लाने वो लग के मुसवा रहे। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर प्रीशियस टाइम विद अस विद चैतन्य कॉलेज। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका धाई करेंगे कि बहुत ही बिजी शेड्यूल के बाद सर हमारे बीच आए और इसी कड़ी में हम चैतन्य अवार्ड सेरेमनी कंटिन्यू करेंगे। सो बेस्ट स्टूडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस मैंने अनाउंस कर दिया है, आगे चलते हुए बेस्ट स्टूडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स, एनी गेसेस? सुरेश साहू, पिता श्याम प्रसाद साहू, दादी को लेके आ रही है, आ रहे हैं। जोरदार दादी अपने दादी के समक्ष इस चैतन्य अवार्ड को लेके जा रहे हैं। देखिए कितनी गौरव की बात है, चैतन्य महाविद्यालय ये देता है कि आप अपने परिवार जनकों के साथ, अपने अभिभावकों के साथ यहाँ से अवार्ड लेके जाइए और ये बहुत हर्ष का विषय है। पिता ईश्वर कुर्रे, सुनील कुर्रे, तालियों की गड़गड़ाहट। हमारे महाविद्यालय में गणित के छात्र हैं और इनके टीचर हैं सुरेंद्र साहू जी और चंद्रशेखर यादव जी। बेस्ट स्टूडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर, क्या बात है, इस बार बारी है लड़की की। शबनम बेगम, पिता रमजान खान। शबनम बेगम, बेस्ट स्टूडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर शबनम बेगम। इसे कहते हैं बालिका प्रोत्साहन, हमारा महाविद्यालय आपको बालिका प्रोत्साहन भी देता है। यह महाविद्यालय में लगभग 80% बालिका हमारे महाविद्यालय में पढ़ती हैं। अपने पिता के साथ सम्मान प्राप्त करते हुए शबनम बेगम। बेस्ट स्टूडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ डिप्लोमा कोर्स राजू साहू, पिता भरत लाल। राजू साहू, क्या बात है, भावतरा निवासी राजू साहू, इन्होंने पीजी डीसीए में बहुत अच्छा काम किया है, पढ़ाई में, कॉलेज की अन्य गतिविधियों में भी राजू साहू। बेस्ट स्टूडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, बेस्ट स्टूडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट
मंजू मधुकर पिता साखीराम मधुकर सुखली की रहने वाली है। मंजू मधुकर पिता साखीराम मधुकर के वार्ड लेके जा रही है, इनके लिए जोरदार तालियां। बेस्ट स्टूडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स रुपेश कुमार कुर्रे पिता राम विलास। रुपेश कुमार कुर्रे पिता राम विलास। विजय कुमार पात्रे। बेस्ट स्टूडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क नीलम कुंभकर पिता ब्रिज विलास शरण। द्वितीय स्थान है, जोरदार तालियां इनका। बेस्ट स्टूडेंट इन पीजी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस रुंझुन गुप्ता पिता रामेश्वर गुप्ता। इन्होंने खूब शानदार पेंटिंग और चित्रकला का प्रदर्शन हमारे महाविद्यालय में किया था। मैं बताना चाहूंगा स्वर्णेंदु नारायण दास मूलतः बंगाल निवासी है, हर कला पे अवार्ड मिलता है यहाँ। स्टूडेंट यूनियन रिप्रेजेंटेटिव बेस्ट स्टूडेंट यूनियन रिप्रेजेंटेटिव रानी गौरहा पिता रतन गौरहा। महाविद्यालय में छात्र संघ पदाधिकारी रानी गौरहा अपने पिता के साथ अवार्ड लेने आती हुई, और जोरदार तालियां हमारे छात्र संघ के छात्रा के लिए। बेस्ट परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में विकास दिनकर। मैं बताना चाहूंगा दिलीप दिनकर विकास दिनकर के बारे में, इन्होंने इस महाविद्यालय में अपने खेल कूद और शारीरिक स्वास्थ्य से हमारे कॉलेज में बहुत अच्छा किया। इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ी है। एक बार जोरदार तालियां, और मैं चाहूंगा कि तालियां जोरदार बजे, क्योंकि हमारे महाविद्यालय में मलखम का जबरदस्त प्रदर्शन होता है। बेस्ट परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज फीमेल रमशीला साहू पिता श्रवण कुमार साहू। रमशीला साहू तालियां नहीं बज रही है, क्या बात है। चलिए विशेष सूचना इस छात्रा के लिए, सेंटर फोर्थ में इनका सिलेक्शन हुआ है। जोरदार तालियां रमशीला साहू के लिए, खेल कूद के माध्यम से अपना पहचान अपने पिता के साथ आती हुई श्रवण कुमार साहू जी। बालिका शिक्षा बालिका प्रोत्साहन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारा महाविद्यालय इन सब में बहुत ध्यान देता है, और हमारे महाविद्यालय के संचालक महोदय एक एक बच्चे से मिलते हैं, एक एक बच्चों के साथ उनका अटैचमेंट है, एक एक बच्चे का भाई नाम और चेहरा पहचानते हैं, ऐसे हमारे डायरेक्टर साहब। बेस्ट कैडेट फ्रॉम एनएसएस ये सब खिलाड़ी सारी बहने, एक एक नहीं दो नहीं पांच बहने खेल कूद में आगे हैं। श्रवण कुमार साहू की पुत्रियां हमारे महाविद्यालय की शान, आप सभी को धन्यवाद बधाई शुभकामनाएं। बेस्ट कैडेट फ्रॉम एनएसएस गज्जू शिवास पिता जगेश्वर शिवास। राष्ट्रीय सेवा योजना में इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, बेस्ट कैडेट हैं, वो भी अपने पिता के साथ आए संजय बघेल जी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय सेवा योजना के सबसे बेहतरीन स्वयं सेवक। बड़े गौरव की बात है कि इतनी बड़ी लिस्ट है हम
आने वाले स्टूडेंट्स की, और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए नेशनल प्राइड एनएसएस, पहला नाम मनीष पांडे, पिता अजीत कुमार पांडे। तालियां बजती रहनी चाहिए, बार बार बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि आप ही के कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आप ही के कॉलेज का नाम देश में जाकर रोशन किया है। दूसरा नाम प्रताप बनर्जी, पिता बजोराम बनर्जी, रायगढ़ से है प्रताप बनर्जी। ये प्रतिभावान छात्रों का सम्मान राष्ट्रीय सेवा योजना के बेस्ट हाईएस्ट स्कोरर इन द ईयर 2019, हाईएस्ट स्कोरर इन ईयर 2019 दीक्षा चतुर्वेदी, छात्र संघ अध्यक्ष पिता सतीश चतुर्वेदी जांचगीर से हैं। एक बार जोरदार तालियां, हाईएस्ट स्कोरर ऑफ चैतन्य कॉलेज ईयर 2019। हमारे महाविद्यालय में कंप्यूटर साइंस में सबसे ज्यादा, पूरे महाविद्यालय में सबसे सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्रा दीक्षा चतुर्वेदी। एक्सीलेंस इन अटेंडेंस 2019, पल्लवी लहरे, पिता राम सहाय लहरे पांगर। देखिए ये छात्रा जो है सबसे ज्यादा महाविद्यालय में जिनका अटेंडेंस है इस वर्ष, जो सबसे ज्यादा संडे को भी महाविद्यालय जाती है, रविवार को भी महाविद्यालय में आती है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, वो छात्रा है पल्लवी लहरे। बेस्ट परफॉर्मेंस इन कल्चरल एक्टिविटीज मेल, गोमेश चौहान, पिता परशुराम चौहान परसाही। अभी अभी आपने एक नाटक देखा था उल्टा पुल्टा, जिसमें प्रताड़ित पति का जिसने रोल किया था वो लड़का है गोमेश। पूरे वर्ष भर सांस्कृतिक कार्यक्रम में से अपना दर्शकों का मन जिसने मोहा है वो है गोमेश चौहान। बेस्ट परफॉर्मेंस इन कल्चरल एक्टिविटीज फीमेल, वर्षा टंडन, पिता सुभाष टंडन। इसके बारे में बताना चाहूंगा कि वर्षा टंडन एक ऐसी छात्रा है जो बीएससी से है और अभी इनका कार्यक्रम प्रस्तुति बाकी है। इन्होंने इस साल भर हमारे महाविद्यालय में सबसे बेहतरीन सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लिया। अभी इनका भारत नाट्यम बचा है, देखना भूलिएगा नहीं। ऑल राउंडर परफॉर्मर इन बॉय मेल कैटेगरी गोज टू देवेंद्र पंकज, पिता नरेंद्र पंकज। ऑल राउंड परफॉर्मर मेल कैटेगरी, क्या बात। ये अभी इसका एक नाटक बचा हुआ है, एक नाट्य नृत्य का कार्यक्रम बचा हुआ। देवेंद्र पंकज साल भर इन्होंने सांस्कृतिक गतिविधियों में परचम लहराया है। मलखम में भी इनका योगदान है। ऑल राउंड परफॉर्म करते हैं हमारे महाविद्यालय में, चाहे वो शिक्षा हो, खेलकूद हो, अन्य गतिविधियों हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑल राउंड परफॉर्मर इन फीमेल कैटेगरी गोज टू सुलोचना ब्रह्मे, पिता सीताराम। क्या बात, ये भी हमारी बीएड की छात्रा है। अब तालियां बजाइए, ये लास्ट अवार्ड था चैतन्य कॉलेज अवार्ड सेरेमनी 2019-20 का। अभी इनका कार्यक्रम बचा है, राजस्थानी नृत्य बचा हुआ है, देखिएगा। अब मैं अवार्ड की दिशा बदलने वाला हूँ। हमारे महाविद्यालय में चार प्रकार के हाउस हैं, अचीवर्स, चैलेंजर्स, विनर्स, एक्सप्लोरर्स। साल भर गतिविधियां करते रहते हैं, साहित्यिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक, खेलकूद तो अन्य प्रशिक्षण जैसे गतिविधियां, जिसमें कोई एक बेस्ट हाउस बनता है, किसी का बेस्ट मेंटर बनता है, कोई हमारे महाविद्यालय में ऑलराउंडर होता है शिक्षकों में, कोई नॉन एकेडमिक होता है जो बहुत बेहतरीन काम करता है। ऐसे लोगों का अब पुरस्कार, हमारे शिक्षकीय विभागीय पुरस्कार मिलने वाली है। मैं अनाउंस करने के लिए देखते हैं बेस्ट हाउस मेंटर कौन होता है। अंशु बारा मैडम, जोरदार तालियां अंशु बारा मैडम के लिए। मैं चाहता हूं कि उनके पति देव भी आए और बेस्ट
हाउस मेंटर का अवार्ड साथ में लेकर जाए, तो तालियां बजनी चाहिए क्योंकि हाउस मेंटर का खिताब मिल रहा है इनको, बेस्ट हाउस मेंटर। Well, next award, excellence in academic staff. वैसे ये नाम मुझे लगता है कि जिस जो नाम हम अभी लेने वाले हैं, ऊपर वाले ने बख्श दिया इन्हें क्या बोल सकते हैं, जो पहचान, ये नाम वाले बड़े ही प्रसिद्ध हैं। एक तो हमारे बीच खड़े और दूसरे अब हमारे साथ स्टेज पर खड़े हैं। क्या बात है, इन्होंने एकेडमिक स्टाफ सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने योगदान दिया है उनको यह अवार्ड मिलता है। और आज बताना चाहूंगा कि इनका बर्थडे भी है, तो सबसे पहले इनको हैप्पी बर्थडे कहें, जन्मदिन इनकी शुभकामना भी दें। एक्सीलेंस इन नॉन एकेडमिक स्टाफ, एनी गेसेस? मिस्टर हरि यादव जी। हरि यादव के बारे में बताना चाहूंगा कि दिन भर कॉलेज की हर कार्यों में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। ये हमारे नॉन एकेडमिक का स्टाफ है। बहुत बहुत बधाई हरि भैया, हरि भैया के जोरदार तालियां। Moving forward, best staff in all round performance. Any guesses? Best staff in all round performance. कौन से टीचर हो सकते हैं? शायद अशोक सर हैं। जोर से, जोर से। किसका होगा? नाम सर। देखिए, आ रहे हैं। हाँ? अशोक यादव सर। चलिए, इन्होंने साल भर हर प्रकार के काम हमारे महाविद्यालय के लिए शिक्षा के पूर्ण सांस्कृतिक बेस्ट ऑलराउंड परफॉर्म किया है। मैं नाम लेना चाहूंगा, संजय सर, संजय पटेल सर। ओके, सो फाइनली बेस्ट हाउस। अच्छा, मैं जिन जिन हाउस का नाम लेना चाहूंगी, स्टूडेंट्स खड़े होते जाएंगे, चैलेंजर्स, जितने भी हाउस स्टूडेंट्स हैं, चैलेंजर्स, चैलेंजर्स, विनर्स, विनर्स, एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर, अचीव, नहीं खड़े होते जाएंगे जितने लोग, चारों हाउस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं खड़े हुए, बड़ा बच्चे, बड़ा बच्चे, चैलेंजर्स को क्या लगता है, बेस्ट हाउस मिलेगा आपको? अचीवर्स को क्या लगता है? अचीवर्स तो खड़े ही नहीं हुए, अचीवर्स तो खड़े ही नहीं हुए। एक्सप्लोरर को क्या लगता है? विनर्स को क्या लगता है? ओके, अब लास्ट बार अनाउंस करूंगी और जिनके तरफ से मुझे ज्यादा वोटिंग आई आवाज, जिनकी तरफ से ज्यादा ही उन्हें दे देंगे। 1, 2, 3, बेस्ट हाउस अवार्ड goes to चैलेंजर्स। सभी उनके सदस्य भी साथ में आएंगे अवार्ड लेने। अपूर्व बेहतरीन परफॉर्म किया है। और एक चीज बताना चाहूंगा कि ये ब्लड डोनर डायरेक्टरी भी चैलेंजर हाउस ने निर्माण किया है ताकि अगले साल आप खड़े हो हमारे साथ स्टेज पर। कांग्रेचुलेशंस एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द अवार्ड विनर्स जो आए और अपनी मेहनत का फल हमारे चैतन्य कॉलेज ने उन्हें दिया है। और मैं चाहूंगी कि अगली बार आप भी स्टेज पर हो इसी तरीके से।